तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। तो आज स्टूडियो में बात करने वाले हम लोग यहाँ पे आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जो कि यहाँ पे MCQ आते हैं, 40 प्रश्न आते हैं आपके। लेकिन सभी विद्यार्थियों को उससे पहले जय श्री कृष्णा, राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, गुड मॉर्निंग तो क्या है, अब तो गुड आफ्टरनून हो गई है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर होने वाली है क्लास आज। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, और अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए तो ये नंबर दिए गए इन पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, वहाँ पे मैं ये PDF रोज डालता हूँ, तो वहाँ से आपको आसानी हो जाएगी। तो सही विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, जम के अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे नहीं किया है तो। तो सही विद्यार्थियों के लिए इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, सभी विद्यार्थी एक बार लाइक चैनल को सब्सक्राइब भी फटाफट से करते हैं। ठीक है, तो अभी आपके लिए ये वीडियो होने वाली है बहुत खास, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आज बहुत सारे, और आपके लिए अंतिम प्रहार होने वाला है। ये अंतिम प्रहार आपके लिए होने वाला है। ठीक है, अंतिम प्रहार आपके लिए होने वाला है। ठीक है, अंतिम प्रहार आपके लिए साबित होने वाला है, और अंतिम प्रहार हम लोग करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए आप लोग को नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हम यहाँ पर करा देते हैं, और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, तो फटाफट से इसका राइट आंसर आप बताइए। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे 5 रख लेता हूँ मैं। ठीक है, ऑप्शन आपके लिए 5 रहने वाले हैं इस वीडियो में, तो बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? 1.8, 2.2, 2.5, उपरोक्त में से कोई, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए फटाफट से क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर होगा, आप बताएंगे मेरे को कि इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे आपके लिए 2.2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि बी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इसके आंसर की नहीं मिलेगी आपको, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी उसके लिए, और वहीं पर आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। भारत की जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या होने वाला है। भारत की जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण जो है विशेषता क्या रहने वाली है? ऑप्शन नंबर ए है आपके लिए यहाँ पे कि इसकी किशोर जनसंख्या का आकार, जन्म दर में गिरावट, साक्षरता स्तर में सुधार, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए फटाफट से। चार ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो आप मेरे को बोलोगे सर जी इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ना तो ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि इसकी किशोर जनसंख्या का आकार यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और उसका करेक्ट आंसर फटाफट से बताइए। और जिसने भी अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ग्रुप कर लेना, वही 6377449372 पर। ठीक है, मैसेज कर देना, ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, और निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थलीय आपदा है? थोड़ा यदि क्वेश्चन नहीं दिख रहे हो तो आप क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है, 720 तक कर लेना, या फिर 360 में भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो क्वालिटी आपको इतनी बढ़ाने लेनी है। अभी बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थलीय आपदा है? चक्रवात, भूस्खलन, ओलावृष्टि, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए फटाफट से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, बताइए फटाफट से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप मेरे को बोलोगे सर जी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ना तो ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा। अब बचे दो, इनमें से आपका जो चक्रवात है वो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, और जो है भूस्खलन इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य विकल्प खाद्य सुरक्षा के निर्धारक है? हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, लगा लेना, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, अभी इसका राइट आंसर बताइए फटाफट से क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य विकल्प खाद्य सुरक्षा की के निर्धारक है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है खाद्य उपलब्धता, ऑप्शन नंबर बी है खाद्य सुगमता, ऑप्शन नंबर सी है खाद्य उपयोग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है खाद्य विपणन, और यह ऑप्शन नंबर 5 है आपके लिए उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या होगा राइट आंसर बताइए फटाफट से इसका।
तो इसका राइट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा। आप बोलोगे सर जी ना तो ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो डी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुना देता हूँ यदि आपको साफ नहीं दिख रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ, और इसका जो क्वेश्चन है वो है, प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा जन्म नलिका के रूप में कार्य करता है तथा गर्भाशय से मानव शरीर के बाहर एक मार्ग बनाता है। तो आप बताएंगे मेरे को इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो हम बोलोगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए है गर्भाशय, ऑप्शन नंबर बी है गर्भाशय ग्रीवा नलिका, ऑप्शन नंबर सी है गर्भकला, या फिर ऑप्शन नंबर डी है योनि, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये तो आपके लिए होगा ही नहीं, ये तो मैं बिल्कुल ही क्रॉस कर देता हूँ यहाँ से। ऑप्शन नंबर चार आपके लिए यहाँ पे हो गए, अब आपको बताना है इनमें से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बताओ फटाफट से। तो आप बोलोगे मेरे को सर जी इसका राइट आंसर ना तो ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि योनि यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, योनि यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो इसका यू नहीं हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी आपको डी ऑप्शन इसको लॉक कर दे रहे हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, महिलाओं में यौवन आरंभ के शुरुआत सबसे पहले खालिस्तान द्वारा चिन्हित की जाती है। बताइए महिलाओं में यौवन आरंभ की शुरुआत सबसे पहले खालिस्तान द्वारा चिन्हित की जाती है, किसके द्वारा चिन्हित की जाती है। मैं यहाँ पर बताना है आपको मेनार्चे द्वारा, या फिर थैलार्चे द्वारा, या फिर प्यूवार्चे द्वारा, या फिर एड्रेनार्चे द्वारा, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप बोलोगे कि सर जी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं पहले तो कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तो यहाँ पे बाद में देख लेंगे हम लोग, लेकिन महिलाओं के लिए जो फर्स्ट यहाँ पे यौवन आरंभ के लक्षण दिखाई देते हैं वो आप यहाँ पे थैलार्च में दिखाई देते हैं, और सेकंड जो लक्षण दिखाई देते हैं वो यहाँ पे मेनार्च में दिखाई देते हैं, और इसके बाद भी यहाँ पे पैनार्चे बसता है। ठीक है, वो उसमें आपके यहाँ पे लक्षण दिखाई देते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। मेनार्च जो कि सर्वप्रथम यहाँ पे थैलार्च जो कि सर्वप्रथम दिखता है, उसकी 9 से आयु होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एज। ठीक है, और मेनार्च यहाँ की इसकी आयु होती है 10 से 16 वर्ष की। ठीक है, एज। इसमें आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं, यहाँ पर आपको थैलार्च में लक्षण दिखाई देते हैं आपके लिए जो है स्तन वगैरह का विकसित होना, और आपको मेनार्च में लक्षण दिखाई देते हैं आपके लिए जो गुप्तांग है उन पर जो है बालों का आना। ठीक है, ये आपके मेनार्च में आएगा, और यहाँ पे आप थैलार्च में आएगा आपके लिए, यहाँ पे जो है यौवन महिलाओं में यौवन आरंभ के लक्षण आपके थैलार्च में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, गठिया की बीमारी है, गठिया की बीमारी क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आपके सभी सभी के घर में छोटे मतलब आपके दादा दादी होंगे। ठीक है, जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही उनको घुटनों में दर्द होने लगता है, और वो यहाँ पे गठिया की समस्या से पीड़ित हो जाते हैं। गठिया की समस्या आपके जोड़ों से संबंधित है। आपकी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ना ये होगा, या कृतनाभ्रक होगा, ना त्वचा होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो डी को हम लोग यहाँ पर लॉक करेंगे, गठिया जो है वो आपके लिए जोड़ों से संबंधित है, जो कि आपके यहाँ पे ज़्यादातर है, जो आपके यहाँ पे घुटने के जोड़ों से यहाँ पे संबंधित है। ठीक है, तो घुटने के जोड़ों से यहाँ पे आपके लिए संबंधित हो जाएगा और गठिया। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देख लीजिए, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। यहाँ आपके सामने सबसे हलवा क्वेश्चन यदि आज का आया हुआ है तो सबसे हलवा क्वेश्चन आपके सामने ये होने वाला है, सबसे हलवा क्वेश्चन आपके सामने ये होने वाला है। तो हलवा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो आपको बताना है किस विटामिन की कमी से यहाँ पर रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, या फिर विटामिन के है। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विटामिन ए की कमी से यहाँ पे आपके लिए रतौंधी रोग हो जाएगा, रतौंधी रोग आपके यहाँ विटामिन ए की कमी से हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से आपके लिए क्या होगा बताइए, विटामिन सी की कमी से आपके लिए यहाँ पे स्कर्वी रोग हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे को बोलोगे कि सर जी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन एक मिनट, विटामिन डी की कमी से यहाँ पे रिकेट्स रोग हो जाएगा। ठीक है, अब आप मेरे को बोलोगे कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन के की कमी से आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे रक्त का थक्का नहीं जमना। ठीक है,
आगे मैंने ये बता दूंगा मैं, आगे क्लियर आपको और हो जाएगा। रक्त का थक्का नहीं जमना, जो मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया था, ठीक है, ये आपके लिए सारे रोग हो जाएंगे। अब आप मेरे को बोलेंगे कि आप विटामिन ई की कमी से बताइए कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे जो हो जाएगा कम प्रजनन क्षमता, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। और अभी आपके लिए मैं इसका करेक्ट आंसर आपको पता लग गया होगा, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए को लॉक किया जाए विटामिन ए की कमी से, यहाँ पे ए रतौंधी रोग है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और उसको बताना है आपको करेक्ट आंसर। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है, बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या होने वाला है। कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि के कामकाज को यहाँ पर नियंत्रित करने का कार्य करती है, बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, वो बताइए आप फटाफट से। कौन सा क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, ये 6 नंबर का 7 नंबर का हो गया, हाँ तो 9 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। हाँ, कौन सी ग्रंथि है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है, थायराइड ग्रंथि हो जाएगी, पीनियल ग्रंथि हो जाएगी, या फिर अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगी, या फिर पीयूष ग्रंथि हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसका राइट आंसर बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर, आपको इनका राइट आंसर बताना है फटाफट से, बताइए। तो आप मेरे को बोलोगे सर जी इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है थायराइड बिल्कुल नहीं होगा, पीनियल बिल्कुल नहीं होगा, अधिवृक्क बिल्कुल नहीं होगा, पीयूष ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक कर दीजिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक कर देते हैं और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, खालिस्तान में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, क्या हड्डियों को जोड़ता है, बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। खालिस्तान मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, खालिस्तान मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, उपास्थि को, एरियोलर से स्नायु को, या फिर कंडरा को, बताइए। तो आप बोलोगे मेरे को कि जो है उपास्थि यहाँ पे नहीं होगा, और एरियोलर तो बिल्कुल नहीं होगा, स्नायु तो बिल्कुल नहीं होगा, कंडरा पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी मांसपेशी को, ठीक है, मांसपेशी को यहाँ पे हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है, हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है, किसको, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य जो है आपको यहाँ पे कंडरा करता है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका कार्य करता है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है, जो कि आपके लिए यहाँ पे जांग का सबसे बेस्ट उदाहरण है, ठीक है, मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य यही करता है हड्डी को मांसपेशियों से, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या होने वाला है। आर्तव चक्र में किस हार्मोन्स के कम होने से रज्जु स्राव होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये आपका यहाँ पे 28 से 29 दिन में आपका यहाँ पे रिटर्न होने लगता है, मतलब कि दोहरा होने लगता है इसका, तो दोहराव इसका यहाँ पे 28 से 29 दिनों में, यानी एक मंथ वन मंथ में आपका यहाँ पे यह रिटर्न होने लगता है, ठीक है, दोहराव होने लगता है, तो किस हार्मोन कमी से होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। रजस्राव किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, तो आप मेरे को बोलोगे रजस्राव आपके यहाँ पे जो है इसका ये भी नहीं होगा, प्रोजेस्ट्रॉन भी नहीं होगा, थायरोक्सिन भी नहीं होगा, इसको प्रोजेस्ट्रॉन यहाँ पे होगा, ठीक है, एस्ट्रोजन तो नहीं होगा, प्रोजेस्ट्रॉन आपका यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, उसका करेक्ट आंसर बताइए, ठीक है, आपके सामने पूरी विटामिन जो है मैंने रखी है नीचे, लेकिन पहले आप इसका आंसर बताइए, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि विटामिन सी की कमी से यहाँ पे स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से यहाँ पे रतौंधी रोग होता है, और विटामिन के की कमी से यहाँ पे आपका क्या होता है रक्त का थक्का नहीं जमना होता है, ठीक है। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है वो हमें आगे देख लेते हैं, तो आगे हम लोग यहाँ पे जैसे ही देखेंगे आपको यहाँ पे विटामिन ए की कमी जिसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है और जिसका रोग होता है रतौंधी, ठीक है, विटामिन B1 की कमी से जिसका रासायनिक नाम है थायमिन और जिससे बेरी बेरी रोग होता है आपको मैंने बता दिया, विटामिन सी की कमी से जो कि अभी पूछा स्कर्वी रोग, इसका जो रासायनिक नाम होगा वो होगा एस्कार्विक अम्ल, यहाँ पे रासायनिक नाम हो जाएगा इसका, ठीक है, सभी विद्यार्थी एक बार इसको देख लेंगे, ठीक है, और नोट भी कर लेंगे यदि किसी ने नहीं किया हो तो, नोट कर सकते हैं आप लोग इसको।
विटामिन डी की कमी से यहाँ पे आपको बताना है। विटामिन डी का यहाँ पे कैल्सीफेरोल यहाँ पे वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, और रिकेट्स यहाँ पे, और ऑस्टियोमेलासिया यहाँ पे इसका रोग हो जाएगा, ठीक है, ऑस्टियोमेलासिया आपका यहाँ पे रोग हो जाएगा। विटामिन के की कमी से यहाँ पे रक्त का थक्का निजमना आपको मैंने पहले बता दिया था, और फियोक्सिनोन यहाँ पे इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। विटामिन B12 कमी से यहाँ पे हो जाएगा त्वचा का फटना, और इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे रिबोफ्लाविन, यहाँ पे रासायनिक नाम हो जाएगा B12 का। तो सभी विद्यार्थी एक बार इसको नोट नहीं किया हो तो इसका नोट कर सकते हैं, मैं पूरा इसको दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। यदि आपको दिख रहा है तो इसका क्वालिटी बढ़ा ले वीडियो की थोड़ी, जिससे आपको ये सारी जो है देखने में आसानी हो जाए, ठीक है। अभी आपका इसका राइट आंसर बताइए फटाफट से, क्या होगा इसका राइट आंसर? पुरस्तर ग्रंथि से स्राव किसमें प्रवेश करता है बताइए? पुरस्तर ग्रंथि से जो स्राव है वो किस में प्रवेश करता है? तो आप बोलोगे कि सर इसका जो राइट आंसर होगा वो गुर्दे में, तो बिल्कुल नहीं करता है। मूत्रवाहिनी में आपका, मूत्र नली में तो बिल्कुल नहीं करता है। वृषण में आपका बिल्कुल नहीं करता। मूत्रवाहिनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप लॉक कर देंगे, ठीक है, सी ऑप्शन आप यहाँ पे लॉक कर देंगे। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। मानव शरीर में फीमर हड्डी को किसके रूप में, खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है बताइए? तो आपको बताएं कलाई की हड्डी, नहीं कंधे की हड्डी, और असली की हड्डी, जांग की हड्डी, क्या होने वाला है इसका करेक्ट आंसर वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आप मेरे को बताएंगे कि सर जिसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है असली की हड्डी, तो बिल्कुल नहीं होगा। कंधे की हड्डी बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे, कलाई की हड्डी तो बिल्कुल नहीं होगा। आप सभी को पता है कि यहाँ पे फीमर जो है आपकी जांग की हड्डी होती है, और जांग की हड्डी जो कि सबसे बड़ी और सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है, एकमात्र हड्डी है जो आपकी यहाँ पे बिल्कुल आपके बीचों बीच में पाई जाती है, जांग के बीचों बीच में, ठीक है। इसके जो है चारों तरफ से आपके यहाँ पे कवर होती है हड्डी, ठीक है। और आपको यहाँ पे बताना है आपको ये सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी जो होने वाली है वो यही होने वाली है, ठीक है। शरीर की मजबूत मजबूत हड्डी यदि कोई होगी तो वो यही होने वाली है आपके यहाँ पे। तो आप मेरे को बताएंगे जांग की हड्डी जो फीमर है उसको बहुत सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होने वाली है, तो सबसे छोटी हड्डी और वो बताना है सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी होने वाली है आपके यहाँ पे। तो आप मेरे को बोलोगे सर जी इसका राइट आंसर होने वाला है स्टेपिस यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है, स्टेपिस इसका राइट आंसर होने वाला है, जो कि आपकी कान की हड्डी होने वाली है, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी शरीर की कान की हड्डी होने वाली है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। पहले इस चित्र को देख लीजिए, ठीक है। ये चित्र किस चीज़ का होने वाला है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताना है। तो सभी विद्यार्थी एक बार इस चित्र को यहाँ पे देख लेंगे अच्छे से, डायग्राम को आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। देख लिया, अभी आपको बताना है इनमें से किसका चित्र है ये बताइए, ठीक है। पेशी कोशिका का, या जीवाणु कोशिका का, पादप कोशिका का, या फिर वसा कोशिका का, कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर वो आपको यहाँ पर बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए और आपको इनका राइट आंसर बताना है फटाफट से, क्या होगा इसका राइट आंसर? आपके लिए यहाँ पे जो है बिल्कुल गर्मी में हालत ख़राब हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दें ना। मैं आपको वीडियो को बीच में बोलता हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में और एंडिंग में आपको यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब के लिए बोलता हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब भी आप यहाँ पर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो आपको भी फ़र्ज़ बनता है कि आप थोड़ा सा हमको सपोर्ट करें। और आप सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड की मैराथन लेके आने की सोच रहा हूँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो आपके लिए ज़रूर ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अभी मैं इसका क्वेश्चन को पूरा जूम करके दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों को देखने में प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए और ये इसका क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर, आप बोलोगे कि ये किस चीज़ का चित्र है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है नर्सिंग एप्टीट्यूड में, तो आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपके लिए यहाँ पे बसा कोशिका का, यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस कोशिका एक हमारे शरीर की मूलभूत और संरचनात्मक इकाई है, ठीक है, संरचनात्मक यहाँ पे इकाई हो जाएगा, ठीक है, हमारे शरीर की मूलभूत और संरचनात्मक इकाई यहाँ पे कोशिका है, ठीक है, सबको पता है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है। जो भी विद्यार्थी अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ वो विद्यार्थी ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, दिए गए नंबर्स पे, नीचे नंबर दिए गए हैं 6377744
एक मिनट, नहीं दिख रहे हो तो मैं इसको जूम कर देता हूँ और आपको यहाँ पे साइड में यहाँ पे करा देता हूँ, बताइए ठीक है। तो नंबर होंगे आपके लिए 6377449372 पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ से आपको जो है वॉइस और गर्ल्स का अलग ग्रुप है ठीक है, वॉइस और गर्ल्स दोनों का अलग अलग ग्रुप यहाँ पर होने वाला है और दोनों को इसी पे मैसेज करना है, जो जिससे आपका अलग अलग ग्रुप में यहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाए ठीक है। और आपके लिए जो मॉडल मॉडल पेपर डालता हूँ, जो भी डायग्राम वगैरह डालता हूँ, एक बार मैं आप ग्रुप का आपको दिखा देना चाहता हूँ, जिससे आपको भी जो है आपका पता लग जाए कि ग्रुप में कुछ चीज़ें आती है या नहीं आती ठीक है। तो सभी विद्यार्थी एक बार ग्रुप को मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ आपके लिए ग्रुप होने वाला है और इस ग्रुप में मैंने आपके लिए अभी 12:41 हो रहे हैं ठीक है, 12:41 हो रहे हैं नाइट के, और मैंने आप अभी आपके लिए यहाँ पे डाले हैं कुछ सीक्रेट से आपके लिए आप होने वाले हैं ठीक है। और ये आपके लिए मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं, काफ़ी सारे जो हैं आपके लिए यहाँ पे जो है पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन भी मैंने डाल रखे हैं ठीक है। और ये आपके लिए डायग्राम होने वाला है, जिससे डायग्राम के मदद से आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तो डायग्राम भी मैंने यहाँ पे डाले हैं ठीक है। और जो आपकी क्लास हुई थी लक्सरीज की, वो यहाँ पे आप मैंने PDF डाल दी है ठीक है। और जो है आपके लिए यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो क्लास हुई थी, उसका थंबनेल मैंने पहले डाल दिया था इसमें। और जो भी आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ पे पहले ही इंग्लिश मीडियम वाले डाल दिए थे ठीक है। सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे ग्रुप बहुत बेहतरीन होने वाला है, तो आप सभी लोग अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कैसे ज्वाइन करना है वो आपको बता ही दिया है कि आपको 6377449372 पर मैसेज करना है, तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा ठीक है। और वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो आप वहाँ से भी जाके ज्वाइन हो सकते हो है ना। टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो ठीक है। सभी विद्यार्थियों के लिए ग्रुप बहुत खास होने वाला है, तो सभी विद्यार्थी एक बार जो है ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे ठीक है। ठीक है तो वीडियो करता हूँ यहीं बैंड, कैसी लगी बता देना वीडियो अभी तक। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर देना। सभी विद्यार्थियों के लिए आज की वीडियो कर देते हैं यहीं बैंड, कैसी लगी बता देना। जय हिंद साथियों, जय भारत।